आज सुरक्षा बलों को बड़ी बड़गाम में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सेना ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर नावेद जट मारा गया। नावेद जट पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों को नावेद जट की कई दिनों से तलाश थी और आखिरकार उसे घेर लिया गया और मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आतंक पर सेना का किस तरह से करारा प्रहार और एक बड़ी कामयाबी। नावेद जट जिसकी कई दिनों से तलाश थी उसे मार गिराया गया। सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर नावेद जट मारा गया। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला कि इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कॉन्टैक्ट इस्टैब्लिश होते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। लगभग 2 से 4 घंटे तक ये इनकाउंटर चला और 2 मिलिटेंट बॉडीज जो हैं वो इनकाउंटर साइट से रिकवर कर ली गई है, जिसमें से 1 लोकल मिलिटेंट है और 1 लश्कर का टॉप कमांडर नावेद जट बताया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नावेद जट फरवरी के महीने में SMHS हॉस्पिटल से पुलिस कस्टडी से भागने में कामयाब हो गया था और उसके बाद नावेद जट का नाम तब सामने आया था जब जर्नलिस्ट शुजात बुखारी की हत्या हुई थी, उसमें नावेद जट का मेन रोल बताया जा रहा था। और आज पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस इसे मान रहे हैं कि नावेद जट को मार गिराया गया है। नावेद जट स्पेशली उसका रोल मिलिटेंसी में ये था कि वो यूथ को मिलिटेंट ग्रुप्स ज्वाइन करवाए। वीर जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। और नावेद जट के मारे जाने की पुष्टि सेना ने भी कर दी है और इस मामले में दिलबाग सिंह DGP जम्मू कश्मीर, उनका क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। देखिए, एवरी वन इज देयर टू मार्क हिज प्रेजेंस, सो लॉन्ग एज द मिलिटेंट विद द गन इज देयर, ही वुड बी इंटरेस्टेड इन शोइंग टू पीपल दैट इज देयर। यू मस्ट हैव सीन नावेद जट इन द फर्स्ट स्नोफॉल गोइंग अराउंड मेकिंग हिज मूवी एंड पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया। You must have also seen him roaming around the road ahead of Anantnag and putting it on social media. They also want to mark their presence on the social media to motivate people, to attract more boys into their folds. But then social media platforms are available for everybody, for anybody. They do resort to putting up their pictures and everything on social media. But then in that case, is also helpful to some extent. Their presence being marked on social media and all, at least people know that who is a particular militant who's putting up his picture and also involved in. You saw a couple of days ago that Ganai fellow putting his picture in Lal Chowk on the social media. Of course, that was an old picture, but he still wanted to show that he has the courage to come to Srinagar city and then take a picture in Lal Chowk and then tell people that, see, we are strong enough to move around anywhere. Halanki that was an old picture, not a fresh picture. But the killer is over. He was also responsible for a large number of killings. So social media platforms are available. People do resort to it. But that doesn't deter our operations. That helps our operations. Sir,